बनेगी, तो दाल ढोकरी कैसे बननी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पर उससे पहले आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैं भारत की प्रख्यात आइटम मैं आपको दिखाती हूँ और आगे भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी, तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये दो टमाटर है, दो हरी मिर्च है, कथमरी है, कड़ी पत्ता है, आधा नींबू है, तीन सूखे लाल मिर्च है, ये है मूंगफली और ये तूर की दाल है। सबसे पहले हम दाल को पका लेंगे। सबसे पहले तो हम दो पानी से दाल को धो लेंगे, अच्छी तरह धो लेंगे दाल को। देखिए अब हम कुकर में दाल को डाल देंगे, ढाई ग्लास पानी डालेंगे, दाल को हमने पकाने के लिए रख दिया है, कम से कम हम चार सीटी लगाएंगे, तब तक मैं आपको दूसरी प्रोसीजर बताती हूँ। देखिए हमने 1.5 आटा लिया है और जो ये आटा है वो गेहूं का आटा है, इसका हम थेपले का आटा गूंदेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। 1 स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जब तक हमारी सीटी ना बच जाए तब तक हम आटा गूंद के रख देते हैं। अब आटा गूंद चुका है, देखिए गैस को हम बंद कर लेंगे, दाल हमारी गल चुकी है, दाल अच्छी तरह गल चुकी है। तो आइए हम इसको ब्लेंडर लगाते हैं। देखिए दाल को हम उबालने के लिए रखते हैं, दाल को हमने उबालने के लिए रखा है, अब उसके अंदर मैं सब मसाला करूंगी। 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, तीन चम्मच चीनी डालेंगे, देखिए अब हम नींबू डाल देंगे ऑयल डालेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले डालेंगे राई 1 चम्मच, जीरा डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब डालेंगे सबसे पहले ये मिर्ची, कड़ी पत्ता, अब डालेंगे टमाटर, मिर्ची, अब मूंगफली डालेंगे। और धनिया इसके अंदर हम डाल देंगे, दाल के अंदर।
अब हम ये जो थोक लगाया है वो हम दाल के अंदर डाल देंगे। देखिए अब इसका अच्छा कलर दिख रहा है। अब आटे को ले लेते हैं। आटे को हम एकदम मसल लेंगे ऑयल लगाकर। आटे में से थोड़ा लेके गोल बनाएंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हम ये बनाएंगे ढोकली। इसको कोरे आटे में लगा लेंगे। देखिए रोटी की तरह इसको हम गोल बना लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। कम से कम हम 3 रोटी बना के दाल के अंदर डालेंगे। एक हमने डाल दिए और 2 दूसरी हम बनाएंगे। ढोकरी डालने के बाद करीब 20 मिनट तक हम उबालेंगे। उससे क्या होगा कि ढोकरी दाल में ही पक जाएगी। आप देख रहे हैं हमारी दाल ढोकरी गाढ़ी हो चुकी है, तो हम आधा ग्लास पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। हमें नींबू कम लग रहा है तो हम और आधा नींबू डाल देते हैं। हम आधा नींबू और डालेंगे ऊपर से। और देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल ढोकली भी रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मेरी दाल ढोकली रेडी हो चुकी है। आप भी अपने घर में बनाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपने मेरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा वो आप मेरे चैनल पे लिखिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।